बहुत ज़्यादा सोचते हो ना। कितना सोचते हो यार आप? हाँ, क्या सारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही हैं? ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं कितने सारे बिजनेस डूब गए हैं और तुम्हारे, जैसे पूरी दुनिया का भार भगवान ने शायद तुम्हारे कंधे पे डाल दिया है। यार हर बात को इतना सीरियस क्यों ले लेते हो? हंसना भूल गए हो क्यों आखिर? क्या दुनिया जहान की मुसीबतें तुम्हारी झोली में डाल दी भगवान ने? मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम आने के बाद ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, मर जाएं बस हम। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा है जिंदगी में जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हो? है ना, है तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती हो? हम जब प्रेयर भी करते हैं ना, पता है क्या मांगते हैं? हे भगवान, हमारी जिंदगी में कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। बट यार एक बात बताओ, क्या प्रेयर करने से प्रॉब्लम आती नहीं है? कोरोना आया ना, कोरोना आने के बाद भी तुमने बहुत सारी प्रेयर करी ना। हमें प्रेयर में क्या मांगना चाहिए कि मुझे उन दुखों से लड़ने की शक्ति दो भगवान। लाइफ बहुत स्ट्रेंज है यार, कुछ भी फिक्स नहीं होता यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेगा। आप जैसा सोचते हो जरूरी नहीं है हमेशा वैसा हो, सब कुछ एज इट इज धरा रह जाता है। बट एक बात जो परमानेंट है वो है आपकी हिम्मत। एक बात यार आज अपने दिमाग में ना बिल्कुल फिक्स कर लो, लाइफ का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स। दिमाग में ना ये चीज बिठा लो कि यार ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती रहे। अप्स एंड डाउन्स यार हमेशा आएंगे। एक बात सुनो भाई, कौन है ऐसा जिसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन नहीं है? वो जो एक लाइन आती है ना जो हॉस्पिटल में एक मीटर पर दिखाई देती है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, बट अगर वो लाइन स्ट्रेट चली जाती है इसका मतलब है इंसान खत्म। बट अगर वो लाइफ जिगजैग चलती रहती है ऊपर नीचे, इसका मतलब है अभी जान बाकी है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है यार। प्रॉब्लम आ रही है मतलब तुम जिंदा हो यार। आप दुआओं में इतना बोलो कि भगवान मुझे शक्ति दे दे इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, आप मेरे साथ रहना हमेशा, मैं आप हो तो मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लूंगा। देखो, सोच के देखो यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पहले भी आई होंगी, क्या वो परमानेंट थी? नहीं थी ना, तो पहले परमानेंट थी प्रॉब्लम्स, ना अब परमानेंट होंगी। तो इतना ज्यादा ना यार पैनिक मत करो अपने आप से, ठीक है? लाइफ को ना एक फेस्टिवल की तरह मनाओ यार। और फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल अगर आप देखो तो कभी कभी आते हैं, बट क्यों ऐसा करें कि हम जब कोई फेस्टिवल आएगा, जब कोई इवेंट होगा हम तभी खुश होंगे? हम रोज खुश क्यों नहीं हो सकते हैं? हमें हमेशा खुश रहना चाहिए यार। क्यों मतलब ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं दुनिया ही लुट गई हो तुम्हारी? तो कुछ लोग तो इनफैक्ट सुसाइड करने के बारे में भी सोच लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, सुसाइड करने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी? हाँ, कुछ नहीं बदलने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉब्लम हमेशा जिंदगी में से चली जाए। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व तब होती है जब आप जिंदगी को समझने लगते हो। और पता है समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? हाँ, सबसे आसान तरीका है अपने आप से प्यार करना यार। जब आप खुद से प्यार करोगे ना तो आप बहुत बहुत स्ट्रांग महसूस करना शुरू कर दोगे। तब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि तुम अपने आप से प्यार करते हो। और पता है ज़्यादातर चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, और जो ये सुख दुख है ना जो तुम्हारे आज चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, वो तुम्हारे माइंड में यार। सिर्फ कहते ना, अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही आएगी चारों तरफ। बट फोकस शिफ्ट करो आज अपना, फोकस शिफ्ट करो सॉल्यूशन की तरफ जाओ, फोकस शिफ्ट करो, ढूंढो कि क्या तरीके हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के मेरे पास आज, है ना? अब देखो, समस्या है, हंसकर डील करो, रोकर डील करो, वो तुम्हारे ऊपर है, है ना? और प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है यार जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। सोचना तो शुरू करो उसके बारे में, सॉल्यूशन है। लाइफ बहुत आसान हो जाएगी जब अपनी सोच पर काम करना शुरू करोगे। और देखो, क्या प्रॉब्लम आना तुम्हारे हाथ में है? नहीं है ना, ये तुम अच्छे से जानते हो भाई। तो क्या चीज तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है उस प्रॉब्लम में कैसे तुम्हें रिएक्ट करना है। तो यार बिंदास जियो यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्माइल करो, खुश रहो हमेशा यार, बच्चों की तरह जियो ना यार। बच्चे देखो ना, बगैर बात के भी हंसते हैं, है ना? तो प्रॉब्लम जब आए ना तो
ये बोलो कि आ जा बस तू, तुझे हैंडल मैं कर लूंगा। अभी मुस्करा रहे हो या नहीं? इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी यार, अब तो मुस्करा दो, मुस्करा कर जियो ना इस लाइफ को। देखो मुस्कुराओगे तो खुशियां तुम्हारे चारों तरफ आने वाली हैं, रोने वाले को तो यार कोई पसंद नहीं करता। इसलिए अगर दुखी रहोगे ना तो दुखों को अट्रैक्ट करोगे, बट अगर खुश रहोगे, मुस्कराते रहोगे तो खुशियों को अपने चारों तरफ अट्रैक्ट करोगे। और अगर यार जीना है ना सच में, तो मुस्कराते हुए जियो, है ना। अगर मुस्कराना हमने सीख लिया तो मज़ा आ जाएगा इस ज़िंदगी को जीने का। आओ इस ज़िंदगी को यार भरपूर जीते हैं, खुश रहकर जीते हैं बजाय दुख होकर जीने के। तो आज से हंसना शुरू, मुस्कुराना शुरू। अभी हंसना शुरू कर दिया है ना, अब तो ठीक है, ऐसे ही हंसते रहना। और प्रॉब्लम आए तो बोल देना, थैंक यू गॉड, तूने मुझे इस लायक तो समझा। इसका मतलब है भगवान आप पे विश्वास करता है, आप उस प्रॉब्लम को बखूबी हैंडल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।